से बता दिया है और बच्चों को बहुत क्लियर भी हो जाएगा। एक चीज और बता दें, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, कोई बताता है कि सर 41,000 की भर्ती नहीं होनी है, कोई बताता है 52,000 की भर्ती होनी है। इन्हें तमाम स्रोतों से जो मार्केट में फैले हुए हैं, तमाम कोचिंग सेंटर्स वगैरह हैं, ये सब इन्हें बताते रहते हैं, तो एक बार आप ये जरूर बता दें। कांस्टेबल रैंक हम लोग रेगुलर भर्ती करते रहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जैसा डायरेक्शन होता है कि ये गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में, उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में कि किस वर्ष में कितनी भर्तियाँ होनी है। इस वर्ष भी देखिए बहुत सारी भर्तियाँ हम लोगों ने की है, अभी सब इंस्पेक्टर का दिया हुआ है उन्होंने। अभी कांस्टेबल में कितनी भर्तियाँ हो, देखिए हर साल लगभग 5,000 से 6,000 लोग तो रिटायर ही होते हैं। हाँ ठीक है, इससे कम इससे ज़्यादा ही लोग रिटायर होते हैं, उतनी तो होनी है, इतना होनी होनी है। प्लस और भी पीछे कुछ पोस्टें क्रिएट होती हैं, डिपार्टमेंट्स की क्रिएट की, उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कई पोस्टों को क्रिएट किया है, SDRF के लिए वैकेंसी भी उन्होंने क्रिएट कर दिया, सैंक्शन कर दिया है, मेट्रो जितनी नोएडा मेट्रो है, लखनऊ की मेट्रो है, इनके लिए सैंक्शन कर दिया है। ये सारी तमाम सारी पोस्टें सैंक्शन होती रहती है। अभी संभवतः आगरा मेट्रो का भी प्रपोजल है, उसके लिए भी सैंक्शन हो जाएगा। जो जितना सैंक्शन होता है प्लस जो रिटायरमेंट है वो सब जुड़ता जाता है, तो कोई कोई वैकेंसी तो हमेशा रहती है। अब वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रेनिंग सेंटर वाली है कि किसी बच्चे को अगर यही क्योंकि ट्रेनिंग है, मैं समझता हूँ कि 2 साल में क्लियर हो पाएगा, 1-1.5 साल तो लगेगा ही। हाँ, अब उसके बेसिस पर असेसमेंट रहेगा और ये तो पूरा मिलता का अभी हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। इन बच्चों को क्या कहना चाहते हैं जो बहुत पेशेंस मतलब उनका खत्म होता जा रहा है, धैर्य उनका टूटता जा रहा है, बहुत सारे बच्चे ट्रेनिंग बच्चों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है। देखिए एक बार अगर आपका रिक्रूटमेंट हो गया हमारे यहाँ से तो ट्रेनिंग देर से देर हो जाती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा कोविड की वजह से हल्का डिस्टर्बेंस हुआ नंबर का, अदरवाइज तो मैं समझता हूँ कि इसी बार में ही 21,000-22,000 की ट्रेनिंग हो जाती है। थोड़ा सा कोविड के कारण फर्स्ट लॉट में जो जा रहे हैं 6 महीने के लिए, इनकी थोड़ी नंबर कम रहेगी मैं समझता हूँ, अदरवाइज तो पूरा प्रयास है हम लोगों का। बच्चे जो है जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं वो बिल्कुल इम्पेशेंट ना हो, मेरिट से जा रहे हैं बच्चे और जाएंगे, उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए, वो हम लोग देख रहे हैं उनको। अब तो पुलिस परिवार के हैं सदस्य हैं, तो उनको किसी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं। कभी कोई दिक्कत तकलीफ हो तो हमेशा हम लोग पास आ सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक बच्चे हैं जो एस्पायर करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के लिए, तो उनके लिए मैं समझता हूँ कि लगभग 6 महीने का तो टाइम मिला ही है कोई तैयारी करने के लिए। तो सब इंस्पेक्टर हमारे यहाँ अच्छा स्टेटस माना जाता है, अच्छी पोस्ट है हमारे लिए, हमारी की पोस्टें हैं वो, क्योंकि पुलिस स्टेशन में यही लोग इंस्पेक्टर कल को होते हैं, डीआईएसपी हो जाते हैं, तो अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है जो बच्चे सीरियस हैं।